सीजन्ड विद लव है, तो प्यार का एक स्पेशल तड़का है इसमें, और जिसमें कि एक वाइफ है, एक हस्बैंड है और एक गर्लफ्रेंड है। तो अभी तड़का क्या है, सस्पेंस क्या है, मिस्ट्री क्या है, वो टीजर तो देख के आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। बाकी फिल्म देखिए, आई मीन आपको मज़ा ही आएगा, आई कैन प्रॉमिस यू। ओके फ्लोरा, आप बताइए किस तरीके का किरदार होने वाला है आपका इस फिल्म में, सॉरी शॉर्ट फिल्म में, और क्या रहेगा? सो आई प्ले द गर्लफ्रेंड, एंड आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी प्लेइंग द गर्लफ्रेंड, बिकॉज जो मज़े एक गर्लफ्रेंड के होते हैं ना, वो मुझे लगता है वाइफ के होते नहीं है। मतलब हर कोई गर्लफ्रेंड बन नहीं सकता है, भाई, यू नो। लव आई गेस, तो नॉर्मल घर की दाल चावल तो सबको ही खाते, तो बाहर की बिरयानी वाला जो एक फ्लेवर है वो मैं लेके आ रही हूँ। तो क्या होता है देखिए, मतलब ऐसी हॉट सी गर्लफ्रेंड होगी और वाइफ को मालूम पड़ जाएगा, हस्बैंड की तो खैर नहीं ना। देखो इससे हमारे डायरेक्टर के खाने पीने का टेस्ट आपको पता लग रहा है कि इनको कितना चटपटा खाना पसंद होगा। आई थिंक ऑल ऑफ देम आर वेरी गुड लुकिंग, whether it's Sudhanshu, whether it is Richa or Flora, they all good looking. And we two are single, by the way. All good looking. नो, तो ये जो मेरे सबसे मैंने लिखी नहीं है कहानी। सो मुझे जब मेरी लास्ट शॉर्ट फिल्म के बाद, मैं लिखती हूँ बट ये पर्टिकुलर शॉर्ट फिल्म मैं नॉर्मली मैंने स्क्रिप्ट मैं मांगती हूँ लोगों से, आई आस पीपल। सो मैंने सिर्फ फेसबुक पे पोस्ट किया था, आई एम लुकिंग फॉर सम स्क्रिप्ट्स। सो मुझे बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं। मुझे एक आइडिया आया था जो बहुत रॉ था इनिशियल स्टेज पे, तो मुझे लगा कि मतलब शुरू में कि अच्छा है, पर इसमें बहुत कुछ एक एंगल है जिस पर काम करना है। उस पर हमने की वी केप्ट ऑन वर्किंग फॉर 2-3 मंथ्स, मतलब ही विल गिव मी अ स्क्रिप्ट बैक कि अब, तो मैंने अभी भी वो बात नहीं है, तो अगेन ही कम अप विद समथिंग एल्स। तो ऐसे करते करते आई थिंक वी केम टू अ पॉइंट जहाँ पे हमने एक स्ट्राइक किया किसी नई चीज़ को, ओरिजिनल है, शायद आपने कभी देखा भी नहीं होगा, कुछ नया है। सो दैट इज़ एग्जैक्टली आई एम सेइंग कि मतलब जब स्क्रिप्ट पे काम होता है और स्क्रिप्ट अच्छी बन जाती है, शूटिंग उतनी ईजी हो जाती है। सो दैट इज़ वाई आई कैन प्रॉमिस यू कि इंटरेस्टिंग है। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि यू नो, जब आपकी एक फीमेल डायरेक्टर होती हैं और वो सिंगल भी होती हैं और वो इतनी खूबसूरत भी होती हैं, उनको कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है। बिकॉज जैसे इन्होंने बोला स्क्रिप्ट, जब ये शी वाज हंटिंग विद द स्क्रिप्ट, नहीं मज़ा नहीं आ रहा यार, वो हो नहीं रहा है। ट्रस्ट मी, जब हम शूट हमने शुरू किया और मेरा सुधांशु का सीन था, वो हमारा जो एक किसिंग सीन है जो आपने ट्रेलर में देखा ही होगा, तो ये जो बहुत लोग इसमें एक्साइटेड होते थे, आई स्वेयर, एंड लक्ष्मी वुड कम रनिंग फ्रॉम द अदर रूम एंड से, नहीं यार ये मज़ा नहीं आ रहा, मुझे मज़ा नहीं आ रहा इसको, और इन दे आर सो कोऑपरेटिव बिकॉज़ द फर्स्ट शॉट था दिन का, और आई टू एक्टर्स टू डू अ यू नो इंटीमेट सीन, इट्स नॉट वेरी इजी किसिंग सीन एंड ऑल दैट। सो बट आई थिंक वो बोथ ऑफ देम kept on doing it till the time I told, because people don't understand ki camera ke liye hota hai. So even doing a retake, you know, it's a technical thing, because yahan camera hai, yahan pe actor hai, or you know, you want that natural thing. So wo us hisab se first take mein, matlab first shot of the day, these guys have done brilliant job. Yay! Wo shot aapko bahut acha bhi lagega film ka, dekhna. Okay, Flora, aap se janna chahengi ki Lakshmi, jab aapke paas aayi film mein, ki to kuch to khaas hoga jiske liye aapne haan bol diya hoga is script ke liye, to bataiye wo khaas cheez. दो तीन चीज़ें थी, एक तो द फैक्ट दैट हमारी इंडस्ट्री में बहुत कम वुमेन डायरेक्टर्स हैं, एंड दिस वॉज माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद वन, सो आई दैट वॉज वन ऑफ द बिग रीजन्स। दूसरा मतलब कोई भी हो, आई थिंक मैं और भी लोगों को मिली हूँ जो कहानियाँ सुनाते हैं, बट द फैक्ट दैट आई कुड नॉट गेट माई आईज ऑफ हर, द वे शी वॉज टॉकिंग एंड यू नो द पैशन विच यू कुड सी इन हर आईज, इन हर फेस, इन द वे शी वॉज टॉकिंग अबाउट द स्क्रिप्ट, सो यू न्यू कि यार ये बहुत अच्छे से इसको बनाएंगी, और ऑल्सो दैट शी इज़ डन टू शॉर्ट फिल्म्स बिफोर दिस विच हैव डन वेरी वेरी वेल, एंड लास्टली द स्टोरी, इट इज़ अ किक ऐस स्टोरी। ओके, जैसे कि इन्होंने बताया किक ऐस स्टोरी तो है ही, फ्लोरा आपके माइंड में कैसे है, या सुधांशु हो गए, सो कैसे है? सो नॉर्मली आई हैव प्रोड्यूस्ड अ फीचर फिल्म ऑल्सो बिफोर दिस, एंड आई ऑल्सो कास्ट फॉर माई शॉर्ट फिल्म ऑल्सो, क्योंकि इंडस्ट्री में इतने साल से हूँ, सो मुझे ऑब्वियसली आई काइंड ऑफ नो अबाउट अ लॉट ऑफ एक्टर्स। सो जब आप कास्टिंग करते हैं कैरेक्टर के बारे में सोचते हैं, यू नो दैट्स फ्यू फेसेस विच स्ट्राइक यू, एंड आज सोशल मीडिया में यू आर एक्चुअली कनेक्टेड टू एवरीबॉडी इन जनरल, सो आई हैड फ्यू फेसेस इन द माइंड, एंड आई हैड फ्लोरा फॉर द गर्लफ्रेंड फॉर श्योर, सो आई कनेक्टेड विद हर, आई थिंक आई स्पोक टू हर ओवर फेसबुक ओनली, एंड दैट्स हाउ आई वी एक्सचेंज नंबर, एंड यू नो वी जस्ट देन एक्सचेंज नंबर एंड फिर मीटिंग हुई, एंड आई काइंड ऑफ न्यू समवेयर, यू नो राइट, आज कि ये यहाँ फिट होता है, इतना काम किया है, बहुत लोगों का मैं ऑडिशन लेती हूँ, बहुत लोगों का नहीं लेती हूँ, बिकॉज इतना काम किया, यू नो द जोन, दिस विल वर्क with Flora, I was very very clear ki you know, as a girlfriend, she will really you know, you have to have that, you know,
Like in the trailer, there's a dialogue. You like spice, so she's a spice in the movie. Wow, that's the biggest. Yeah, I know. Okay, so Flora, आपसे जानना चाहेंगे सुधांशु के साथ में आपकी दोस्ती तो already हमें पता है कि है अच्छी खासी दोस्ती है but इससे आपसे जानना चाहेंगे कि sense पर bond किसके साथ में सबसे ज़्यादा strong रहा shoots के दौरान. आई थिंक सुधांशु को तो मैं बहुत टाइम से जानती हूँ. हम लोग पहले एक बार काम करने वाले थे पर वो हो नहीं पाया. बट आई थिंक शूटिंग के पहले से शूटिंग तक एंड देन शूटिंग के बाद मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड हैज़ बीन विद लक्ष्मी. एंड अब तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक I'm gonna miss her the most. I'm not going anywhere. She tells me that. So every time I speak to her, morning ka hamara ek routine ban gaya. Subah agar jab tak main unki awaaz na sunu, mera din nahi shuru hota. And I always tell her, "Yaar, I'm gonna miss you." She says, "I'm not going anywhere." So I love that reassurance. And I think she's the best. I think we all have become friends and like family also. Yeah. Itna time spend karke na, it happens in a team in any case. नहीं, बहुत सारे पहले भी फिल्म्स किए, मेरे रिलेशनशिप सबके साथ बहुत अच्छे रहे. सो यू नो, इन लाइफ जर्नी और एनीथिंग यू कीप मीटिंग पीपल. और कुछ लोग लाइफ लॉन्ग रहते हैं, कुछ लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो एक लाइफ की जर्नी वेदर फिल्म और लाइफ सेम है. ओके, सो और भी कौन से प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं इसके बाद? सो फ्लोरा शुड टेल फर्स्ट. ये तो बहुत सारा काम करी लड़की, बहुत फेमस. तो आपके लिए बहुत ही खास है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, तो थोड़ा बहुत बताइए. सो देयर इज इनसाइडेड सीजन 2 व्हिच विल बी कमिंग आउट. देयर इज City of Dreams with Nagesh Kuknu, that's coming out. 16th हमारी season with Love आ रही है. And एक और Z5 के लिए है Hotel Heartbreak, that will also be coming out this year. Yeah. आप कोई auditions वगैरह? There's a film called Pink Auto, which is very close to my heart. So that will happen this year. And there are a couple of more projects where I've been called to direct. So let's see. ये चीज़ें बाद में बोली जाती हैं, होने के बाद. Okay, जाते जाते जैसे कि Flora ने कहा, you know, she is going to miss you. तो एक ऐसी memory set करके जो आप कभी नहीं भूलने वाली. टाइम ही नहीं था. आई थिंक वी जस्ट शॉर्ट कंटिन्यूसली, बिकॉज शॉर्ट फिल्म थी एक ही दिन की. आई थिंक तो वो वी जस्ट हैड अ ग्रेट टाइम एज फैमिली. आई थिंक 12 घंटे लगातार शूट किया हम लोगों ने, और सबके सब यू नो दे कॉन्स्टेंटली, जब जिसको बुलाया फुल एनर्जी के साथ, ही वॉज द पर्सन वॉज प्रेजेंट, वेदर इट वॉज रिचा, फ्लोरा और सुधांशु. मुझे कभी नहीं लगा कि मेरे को, मतलब आई हैड टू यू नो थिंक सो मच, बिकॉज एज पीपल वी वर्किंग टुगेदर फर्स्ट टाइम ऑन अ सेट. तो इतनी कोऑपरेशन फ्रॉम अ कास्ट एंड क्रू, आई एम जस्ट ब्लेस्ड. नो, बट आई विल टेल यू द काइंड ऑफ एनर्जी शी हैड ऑन द सेट, दैट इज व्हाट केप्ट अस गोइंग, बिकॉज शी, यू नो, शी इज फनी, राइट? सो हर लाफ्टर, हर जोक्स, एंड आउट ऑफ नथिंग शी कुड जस्ट क्रैक यू अप. हम मैं मुझे याद है, मैं बड़े सीरियसली, आई एम वेयरिंग दिस सेक्सी नाइट गाउन, मैं बेड पे लेजो, मैं सीरियस पाउटी सेक्सी सेल्फी लेने वाली थी. शी सेड, ये देखो, एंड दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट कैंडिड पिक्चर्स. सो on the set, throughout the set, that one day, it was her energy that kept us going, and we had a blast. Yeah. We seriously had a blast. And as a director, very good. When you'll see the film, gorgeous, and when you'll see the film, you'll know ki how good, how talented she is. Thank you so much. Thank you. One second. See, ये हो जाएगा तो फिर ना सुधांशु और ऋचा का यहाँ पे करेंगे. हाँ हाँ, चलेगा यार. इट्स इजीयर बिकॉज़ इट्स मोर साइलेंट, आई थिंक, मोर देन देयर, राइट? व्हाट इफ इज इट बेटर? क्या बोला? बोलना नहीं, नथिंग, जस्ट अ कटवे, यू कैन जस्ट कीप इन नॉर्मल कन्वर्सेशन. बताओ. Nobody wanted to see his film. Khatam, matlab to. Yeah,
छोड़ा हुआ है। चलेगा बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पीछे पिंक बैकग्राउंड है। अच्छा वो पर्दा पीछे खुल रहा है उसको बराबर करना। अच्छा मेरा फोन ना विशाखा अमेजिंग रिस्पॉन्स क्योंकि क्या है ना कि एक शॉर्ट फिल्म का एक अलग ही फ्लेवर आके आया है सामने, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और 45K ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है, तो वो हमारी जो एक्साइटमेंट है उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता, अभी ये भी नहीं लगा सकता। हाँ मैं नहीं लगा पा रहा हूँ लेकिन जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो बहुत अच्छा है। खुशी इस बात की है कि हर आदमी ने अभी तक यही बोला है, सॉ द टीज़र लव्ड इट, तो कोई बहुत ज़्यादा लंबा एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, शॉर्ट एंड स्वीट सबके मैसेज आ रहे हैं, सॉ द टीज़र एंड लव्ड इट, ये हर आदमी ने यूनिफॉर्मली ये बात बोली मुझे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका अच्छा समा बन चुका है और जब फिल्म रिलीज़ होगी तो मुझे लगता है कि लोगों को काफ़ी सरप्राइज मिलने वाला है। ओके सर, टेल अस समथिंग अबाउट योर कैरेक्टर इन द शॉर्ट फिल्म, थोड़ा बहुत। ये सभी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आप अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए, तो मैं पहली बात तो ये बता दूं कि मेरा कैरेक्टर लेस तो नहीं बोलना चाहिए, चरित्र कैरेक्टर है एक जिम्मेदार पति का जो घर पे है, बीवी का इंतज़ार कर रहा है, बीवी आने वाली है बट बीवी को आने में थोड़ा समय लग रहा है, तो इस बीच में उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता मामला, क्योंकि जब वो गर्लफ्रेंड के साथ है उसी समय, जैसा कि आपने टीज़र में देख ही लिया होगा, शॉर्ट फिल्म में देखिए मेरे पति परमेश्वर हैं, ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इनकी बातों में हामी भरना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो बस इतना। नहीं आपका धर्म है ये, धर्म। 17 मिनट की फिल्म है, अभी ज्यादा बात करेंगे तो पता नहीं बाहर आ जाए कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली, तो अभी जो इन्होंने कहा है मैं उसको सहमति देती हूँ, और बहुत बहुत अच्छा लगा आपके साथ काम करके, धन्यवाद देवी। मेरे पति की भूमिका में है, नवरात्रि चल रही है, मेरी जिंदगी सवर गई। ओके सुजन सर, टीजर के अलावा आप और एक जो टॉप ऑफ द टाउन है वो है आपकी केमिस्ट्री विद फ्लोरा, और हमने जैसे कि अभी डायरेक्टर के साथ बात की है, उन्होंने कहा है कि फर्स्ट सीन ये पहला दिन ही वो सीन था, तो क्या कहना चाहेंगे, कितने नर्वस है और क्या माइंडसेट? माइंड सेट तो था ही नहीं मेरा उस दिन, माइंड अपसेट था क्योंकि पहला दिन मतलब जिस दिन हमने फिल्म शूट करी है उस दिन पहला शॉट मेरा, एक तो वैसे भी आपने देखा होगा कि पूरी फिल्म में बनियानी पहनी हुई है ना, एक जो गंजी बोलते हैं वो पहनी हुई है, और पहला शॉट जो था मेरा वो फ्लोरा के साथ था, जहाँ मैं फ्लोरा को फ्लोरा और हम एक दूसरे को किस कर, तो मुझे पहला शॉट देने के लिए बोला गया कि ऐसे पोजीशन में आना है, तो फ्लोरा जी लेटी हुई हैं और मैं ऊपर से ऐसे आना है मुझे उनके, और हमको किस करना है, थोड़ा सा नोकझोंक करते हैं और किस करते हैं, और कैमरा यहाँ पे था और हम दोनों यहाँ पे थे, तो इतना नज़दीक था कैमरा कि मतलब मैं ऐसे सर भी नहीं हिला सकता था, तो जब आपको पता है कि ये सब आपके इतने नज़दीक हैं, कैमरा इतना नज़दीक है तो कैमरामैन भी वहीं होगा, फोकस पुलर भी वहीं होगा, और एक आदमी वो कटर वटर लेके खड़ा था वो भी वहीं होगा, लाइटमैन भी होगा, सब लोग वहाँ पे लगे हुए हैं, और यहाँ ये दो कैरेक्टर एक दूसरे को किस करने के सीन को परफॉर्म करने वाले हैं, तो विद ग्रेट डिफ़िकल्टी क्योंकि मैं बहुत नर्वस था ये सीन शूट करने के लिए, क्योंकि मैंने इंटीमेसी आज तक कभी कैमरे पर शूट नहीं करी, मतलब रिसेंटली मैंने एक और जगह पर शूट करा था, बट ये दोनों एक्सपीरियंसेस मेरे पहले लाइफ के आज तक के करियर में पहले एक्सपीरियंस थे, तो बहुत ज़्यादा नर्वसनेस थी, बहुत घबराया हुआ था मैं, और पहला शॉट देने के बाद ये जब शॉट हुआ और मुझे लगा मैंने बहुत अच्छा किया है, और मैं वापस गया मॉनिटर पे, तो लक्ष्मी मुझे देख के बोलती है सुधांशु मज़ा नहीं आया, तो मैंने मन में सोचा कि यार ये मज़े के लिए तो मैंने बिल्कुल नहीं किया, तो मैंने कहा लक्ष्मी मज़ा नहीं आया, मतलब क्या क्या
क्या कमी क्या रह गई मेरी तरफ से, तो लक्ष्मी बोलती है कि नहीं थोड़ा ना नेचुरल, आई वॉन्ट अ लिटिल मोर नेचुरल, यू नो इट हैज़ टू लुक लाइक यू आर इन, यू नो यू आर इन लव एंड यू नो यू आर अबाउट टू. तो मैंने कहा अच्छा, फिर बहुत मुझे हिम्मत अपनी बनानी पड़ी और मैंने फ्लोरा से भी डिस्कस किया. मैंने कहा यार मैं बहुत घबराया हूँ, मैं डरता हूँ. तो फ्लोरा ने आई थिंक वीमेन आर वे स्ट्रॉन्गर देन मैन, आई पर्सनली फील. तो फ्लोरा ने मुझे बड़ी स्ट्रेंथ दी और उनके कॉन्फिडेंस की वजह से फिर हमने वो सीन परफॉर्म किया बड़ी अच्छी तरह से. और जैसे ही परफॉर्म करना शुरू किया था तब तक इन्होंने घंटी बजा दी बीच में बस. ओके रीचा, आप क्या कहना चाहेंगे, जब केमिस्ट्री की बात हमने की है तो आपका थोड़ा सा अलग ही रिएक्शन था, तो क्या कह सकते हैं. भारतीय नारी हूँ इस फिल्म में, एक बहुत ही कहते हैं ना जो रिवाजों में मानती है, पति को सब कुछ मानती है, तो वैसा एक कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ. अब ऐसे में पति क्या मुँह काला कर रहा है, पीठ पीछे मैं क्या कर सकती हूँ उसमें. तो अब मेरी और इनकी केमिस्ट्री तो वो नहीं दिखेगा ना टीजर में, मेरी इनकी केमिस्ट्री टीजर में दिखी है एक सीन में. फ्लोरा के साथ देखिए आप. नहीं, फ्लोरा के साथ बायोलॉजी देखी है, आपके साथ केमिस्ट्री दिखाई दी. ओके रिचन, ये शायद तक आपकी पहली शॉर्ट फिल्म है, सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ, कितने नर्वस थे बिकॉज़ इट्स अ डिफरेंट जॉनर. दूसरी शॉर्ट फिल्म है मेरी, जो पहले शॉर्ट फिल्म थी द साइलेंट स्टैचू, वो कांस में चली गई थी, थोड़ी वो अलग लेवल पे, तो ज़्यादा मीडिया के पास आ नहीं पाई वो फिल्म, क्योंकि जब पिक्चर कांस में जाती है तो उसको बिल्कुल हश हश तरीके से ले जाया जाता है. और ये दूसरी फिल्म है लक्ष्मी मैम के साथ मेरी. मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इनको मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और इन्होंने मुझे एक दूसरे फिल्म के लिए बुलाया था, ऑडिशन किया था, पर इस कैरेक्टर के लिए ज़्यादा फिट थी मैं, तो मुझे उन्होंने इसमें कास्ट कर लिया है. अब जहाँ तक बात आप करेंगे जॉनरे का, तो यस, इट्स अ वेरी डिफरेंट मीडियम और माइंडसेट अलग होता है यहाँ पे, एक्टर्स अलग होते हैं, इतने इवॉल्व होते हैं एक्टर्स जिनके साथ काम करना. और फिर लक्ष्मी मैम थ्रू आउट थी मूवी के दौरान हमें सपोर्ट करने के लिए. उन्होंने कुछ एक ऐसे सीन्स भी थे जो पूरा अच्छे तरीके से इनैक्ट करके दिखाया और बताया मुझे कि रिचा दिस इज़ व्हाट आई एक्सपेक्ट, एंड वो बहुत बहुत हेल्पफुल रहा मेरे लिए, क्योंकि मैं नर्वस तो बहुत थी, मैं हमेशा नर्वस रहती हूँ, लेकिन मैं भूल जाती हूँ कि जो भी काम किया है मैंने पीछे छोड़ के आगे एक नए सिरे से शुरुआत करते हैं, नया सेट है, नई चीज़ें सीखेंगे हम लोग, तो वो माइंडसेट रहता है. ओके, टॉकिंग अबाउट द एक्सपीरियंस विद डायरेक्टर, उनके साथ में काम करने का कैसा अनुभव रहा. लक्ष्मी बहुत ही वाइब्रेंट डायरेक्टर है, एज अ पर्सन ऑल्सो शी इज़ वेरी वाइब्रेंट, शी इज़ फुल ऑफ एनर्जी. मतलब बैटरीज में अगर ड्यूरासेल है तो डायरेक्टर्स में लक्ष्मी अय्यर है. तो लक्ष्मी इनहेरेंटली बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और बहुत पॉजिटिव पर्सनैलिटी वाली लड़की हैं. और जैसा कि आपने उनको देखा ही होगा कि वो एक अपने साथ एक अलग किस्म की ऑरा लेके आती हैं. उनके टैटूज़ हैं, वो इयररिंग्स अलग तरह के पहनती हैं, उनका हेयर स्टाइल अलग है. तो शी हरसेल्फ एज अ पर्सनैलिटी इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ स्टेटमेंट, अ वेरी डेफिनेट स्टेटमेंट, एंड you can see that she lives a life you know on her own terms as a person, you can figure that out, and that is something that I liked to begin with first when I met her. And then she told me that this is the story. When she told me the story, she said it's about infidelity. So my first thought was ki okay, infidelity acha hai, but us pe bahut sari cheeze banti hain. But then she narrated the whole script to me, and then she told me the end, and the moment she told me the end, I said, boss, this is the beginning, let's do it. So the end was so interesting, very interestingly written, that I said, let's do this film. And the whole experience of then onwards with Lakshmi, of sitting with her and, you know, discussing what I'm going to do, what I'm going to look like, and how we're going to shoot this. Was a very very beautiful process, and she did a lot of good homework, a solid homework. She was very well prepared, because ये 16 मिनट की जो पिक्चर हमने बनाई है ये हमने एक दिन में शूट करी थी. और मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी डायरेक्टर को, टेक्नीशियन को या एक्टर को एक कहानी को एक दिन में बताने के लिए बहुत काबिलियत चाहिए और बहुत मेहनत चाहिए और बहुत होमवर्क चाहिए, जो उन्होंने बखूबी निभाया. So I think Lakshmi has done a fantastic job. Lakshmi ma'am ke liye bas itna hi kahungi ki wo bahut hi focused hain aur unhone ek
बैरियर को ब्रेक कर दिया है, क्योंकि मैंने बहुत मेल डायरेक्टर्स के साथ काम किया है और जिस तरीके की स्पिरिट है उनकी और जिस तरीके की उनकी यू नो प्रेजेंस होती है सेट पे, वो इतनी डिमांडिंग है, डोमिनेटिंग है, व्हाट शी नोज व्हाट शी वांट्स आउट ऑफ समवन, कि वो कैसा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रही हैं, तो मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगा, कि मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं किसी फीमेल डायरेक्टर के साथ काम कर रही हूँ. और इसको जनरलाइज करना भी नहीं चाहिए बिकॉज शी इज़ एन इंडिविजुअल ऑन हर ओन वे. और लक्ष्मी मैम का बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं उनको आज भी उन्हें बुरा लगता है जब मैं उनको मैम बुलाती हूँ, वो मुझे बोलती है कॉल मी लक्ष्मी, शी इज़ दैट यू नो हम्बल एंड मॉडेस्ट. बट यू नो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक इट फॉरवर्ड, बिकॉज जो काम उन्होंने किया है, जो जिस तरीके का उनका विजन है और जिस तरीके की वो ह्यूमन बींग है, मुझे उनके लिए दिल से रिस्पेक्ट आती है. तो मैंने उनको बोल दिया है कि जिस दिन मुझे लगेगा मैं आपको लक्ष्मी बुलाऊंगी, बट फॉर नाउ लेट मी कॉल यू मैम, आई लव कॉलिंग यू दैट. सो सुधांशु, यू नो लक्ष्मी ने एक और जो टिप दी है, एक्चुअली इट नॉट ओनली लक्ष्मी, फ्लोरा ने भी कहा है कि आप ब्रियर्ड के साथ में अच्छे नहीं लगते और वो टीका, तो उनकी ये टिप कितना वैल्यू वाले है? देखिए टिप टिप करके पानी बरसता है, ठीक है ना, तो ऐसे ही लोग अगर टिप टिप करते रहेंगे और देते रहेंगे तो हो सकता है मैं बियर्ड निकाल दूं. बट ये दोनों लड़कियां पता नहीं क्यों मेरे जान के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई हैं कि मेरे ऊपर बियर्ड अच्छी नहीं लगती और मेरे ऊपर वो तिलक अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये बात समझ नहीं पा रही हैं मेरी दोनों बहनें कि जो ये तिलक होता है मेरा वो मैं घर पे मंदिर में पूजा करने के बाद लगाता हूँ. और वो क्योंकि घर पे मंदिर है तो घर में पूजा पाठ भी करता हूँ मैं. और एक्चुअली बहुत सारे लोगों को ये पता भी है और बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं है कि मैं शायद इतना रिलीजियस हो सकता हूँ. तो हाँ मैं थोड़ा रिलीजियस भी हूँ, स्पिरिचुअल भी हूँ, घर में पूजा करता हूँ, तिलक लगाता हूँ, 3 टाइम पूजा पाठ करता हूँ. और जैसा पिक्चर में देखने को मिल रहा है लोगों को, वैसा नहीं हूँ मैं रियल लाइफ में. नहीं, मैं वैसे बोल रहा हूँ कि पूजा पाठ करता हूँ, जो सब बोल रहे ना ये अच्छा नहीं लगता है, दाढ़ी अच्छी नहीं लगती है, हद हो गई है यार बच्चे की जान लो. तो ऑन अ सीरियस नोट, ये बियर्ड मैंने इसलिए रखी हुई क्योंकि मेरी इत्तेफाकन पिछले कुछ समय से जितने भी मैंने कैरेक्टर्स प्ले किए हैं हर आदमी को मेरे चेहरे पर दाढ़ी चाहिए थी, उनको मेरा वैसा चेहरा पसंद नहीं आ रहा था किसी वजह से, तो मुझे दाढ़ी रखनी पड़ी और मैंने अभी भी दाढ़ी रखी हुई है क्योंकि मैं इसके बाद एक और शॉर्ट फिल्म अभी करने वाला हूँ विद अ डायरेक्टर फ्रॉम हैदराबाद, विच इज़ अगेन अ वेरी ब्रिलियंट स्क्रिप्ट, और वो थोड़े बड़े स्केल पे भी हम लोग शूट कर रहे हैं हैदराबाद में. तो उनके फिल्म में भी जो उन्होंने कैरेक्टर मुझे दिया है वो दाढ़ी वाला है, तो अब मैं फिर से दाढ़ी नहीं निकाल पाऊँगा. अब उसका मतलब तो यही हुआ कि मुझे लक्ष्मी और फ्लोरा जी को बहन ही बोलना पड़ेगा और कोई तो मेरे पास चारा है. 16 को मूवी रिलीज होने दो, उसके बाद बहन बुला लो. हाँ. Why in the press conference? नहीं क्यों यार, इसमें क्या छुपाने वाली बात क्या है? ओके सर, शॉर्ट फिल्म की फॉर्मेट की बात करें, सो क्या लगता है क्या फ्यूचर, क्योंकि डू यू थिंक वो टेक ओवर कर सकते हैं फुल फीचर फिल्म को, बिकॉज शॉर्ट फिल्म एक 10-15 मिनट में फुल पूरी स्टोरी बता देती है, फुल फीचर फिल्म एक 2 से 2.5 घंटे देती है. सो अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ ना किसी चीज़ की जगह नहीं ले सकती. मेरा ये मानना है कि जब टेलीविज़न इंडस्ट्री में बूम आया था तो लोगों ने टेलीविज़न देखना बहुत ज़्यादा शुरू किया और आज टेलीविज़न की ऑडियंस बहुत बड़ी हो चुकी है, बहुत स्ट्रॉन्ग, मेरे ख्याल से आज की डेट में स्ट्रॉन्गेस्ट मीडियम है. बट फिर भी फिल्म्स ही हैं, लोग आज भी फिल्म देखने जाते हैं और फिल्म्स का बिजनेस अब कम से कम 100 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है. तो कोई भी चीज़ किसी चीज़ की जगह नहीं ले सकती, बट जैसे शॉर्ट फिल्म है या वेब पोर्टल्स हैं जहाँ पे ये शॉर्ट फिल्म्स आती हैं या वेब सीरीज़ आ रही हैं, वो सब अपनी अपनी एक जगह बना रही हैं बहुत सॉलिड. और ये भी एक ऐसा जॉनरा है जो सिर्फ ग्रो करेगा आगे आने वाले सालों में, बिकॉज इतना टैलेंट है हमारी कंट्री में, इतने डायरेक्टर्स हैं, इतने स्क्रिप्ट राइटर्स हैं जो अपनी कहानियाँ बताना चाहते हैं. तो ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी को ये मौका मिले कि वो पूरी फीचर फिल्म बना सके. तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कम समय में, कम बजट में अच्छे टेक्नीशियंस और अच्छे एक्टर्स को लेकर एक शॉर्ट फिल्म बनाएं और अपनी कहानी लोगों तक पहुंचाएं. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जॉनरा है शॉर्ट फिल्म्स का और वेब सीरीज़ का,
ये आगे चल के और भी ज़्यादा ग्रो करने वाला है। और जैसा कि आपने देखा होगा कि अब फिल्म फेयर में भी इसका एक सेगमेंट इंक्लूड हो चुका है अवार्ड्स के लिए, तो यू नो इट इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव स्टार्ट। और आगे चल के शॉर्ट फिल्म्स इज गोइंग टू बी एन इक्वली स्ट्रॉन्ग यू नो वे ऑफ एंटरटेनमेंट एंड वे ऑफ नरेटिंग एंड टेलिंग स्टोरी। देखिए शॉर्ट फिल्म बनाना उतना मुश्किल नहीं होता है, और स्टोरी आपके पास रेडी है, और अगर कोई एस्पायरिंग डायरेक्टर है तो उसको प्रोड्यूसर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर उसके पास अच्छी स्क्रिप्ट है तो। और क्या होता है ना कि मूवी बनाने के लिए देन इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म ऑल टुगेदर। तो आप देखिए रोज़गार बढ़ गया है, मैं आपको बता रही हूँ, जो और जो लोग क्रिएटिवली चीज़ें कुछ करना चाहते हैं उनको सोचना नहीं पड़ेगा। फ्रेंड्स हैं और हमारी सर्कल इतनी बड़ी हो गई है ना कि सारे लोग चाहते हैं कि कुछ हम अच्छा कर जाएं, कुछ स्टोरी सामने लेकर आ जाएं। तो जब कोई स्टोरी बनती है तो उसके लिए अभी सोचना नहीं पड़ता है, और वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं या बना सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ या किसी नामचीन एक्टर्स के साथ वो अप्रोच कर सकते हैं कि सर दिस इज़ अ प्रोजेक्ट और मैम दिस इज़ अ प्रोजेक्ट वी वॉन्ट टू डू दिस। तो हम एक देखिए ना एक टैलेंट की बाढ़ सी आ गई है शॉर्ट फिल्म और वेब सीरीज़ के थ्रू। और चूंकि मेरा बैकग्राउंड रहा है सीरियल से, तो अगर आप कंपैरिजन करने बोलेंगे तो सीरियल मेरे लिए न्यूज़पेपर की तरह है और मूवी जो है किताब की तरह है। तो आप सीरियल रोज़ देखते हो, रोज़ आपका चल रहा है वो न्यूज़पेपर हो जाता है, और एक फिल्म जो है एक किताब बन जाती है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि एक नया रेवोल्यूशन आ गया है, और अपनी बात आप देखिए ना हर एक विषय पर चीज़ें बनी हैं। अगर आप देखेंगे तो हर एक विषय पर आपको कुछ ना कुछ दिखेगा ही, चाहे वो किसी भी चीज़ों से रिलेटेड हो तो वो आपको दिखेगी शॉर्ट फिल्म के थ्रू। तो इट्स अ गुड थिंग। ओके टॉकिंग अबाउट यू नो सीजन विद लव फिल्म, जैसे कि मतलब हम लोगों को लक्ष्मी जी ने बताया कि फिल्म जो है वो सिर्फ 12 घंटे में शूट की गई थी, तो कहीं ना कहीं वो एक शेड्यूल जो था वो कहीं हेडलाइट लगा या फिर कुछ हुआ ऐसा? कई बार ऐसा होता है ना कि आप की जो टीम होती है और आपके जो लोग होते हैं आपके आसपास वो इतने अच्छे होते हैं, और एक जो बॉन्डिंग होती है, एक एटमॉस्फेयर होता है वो इतना पॉजिटिव होता है कि आप टफ से टफ सिचुएशन में भी आपको पता नहीं चलता है कि कब काम आपका ख़त्म हो गया, कब आपने वो काम पूरा कर लिया। तो वैसे ही हमारे साथ भी हुआ, क्योंकि हम लोग थे सब साथ में, हम लोगों ने शूट किया, एक दिन में इतनी अच्छी खासी फुटेज हम लोगों ने निकाली है, तो पूरा दिन हंसते खेलते हम लोगों ने निकाल दिया और फिल्म शूट भी हो गई। तो दैट इज़ हाउ इजी एंड दैट्स हाउ ब्यूटीफुल इट वाज। तो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस शूटिंग इन फिल्म। अब 12 घंटे का तो शिफ्ट होता ही है, लेकिन 12 घंटे में एक पूरा प्रोजेक्ट फिनिश कर देने के लिए एक पूरा आर्मी होनी चाहिए सेट पे। तो हमें स्क्रिप्ट पहले मिल गई थी और हमने रिहर्सल्स भी किए थे साथ में, और हमें सब कुछ थ्रू था कि हमें मालूम था कब क्या होने वाला है। तो प्रिपेयर होकर गए थे कि भाई आज जो है ये यूनिक शूट होने वाला है, और आज हमें किसी भी तरीके से आज ये ख़त्म करके जाना है। और फुल सपोर्ट था मैम के लिए, इसीलिए आई थिंक। और एक्टर्स अडोरेबल एक्टर्स, लाइक आई वाज मीटिंग हिम सुधांशु जी फॉर द फर्स्ट टाइम, फ्लोरा फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड देन द इंटायर क्रू एंड एवरीवन फॉर द फर्स्ट टाइम। मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ भी ऑकवर्ड हो रहा है या किसी को कुछ इनहिबिशंस है ये काम करने में, एवरीथिंग वाज सो कूल। तो ये एक माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है कि हम जिस मकसद से गए हैं सेट पे वो पूरा होना चाहिए। ओके चलिए जाते जाते एक ऐसी मेमोरी जो अपने साथ लेकर जाने वाले बेस्ट वाली शेयर करना चाहेंगे। बेस्ट मेमोरी बहुत सारी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको भी पता है कि 12 घंटे में अगर एक ये फिल्म बन के तैयार हुई है तो आप समझ सकते हैं कितनी फास्ट हम लोगों ने काम किया होगा, चाहे वो लोकेशन शिफ्टिंग की है या कॉस्ट्यूम चेंज का है या लुक चेंज करने का है। तो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि कोई भी इरिटेटेड नहीं था, नॉट इवन द डायरेक्टर, शी वॉज ऑल्सो वेरी कूल। एंड द एक्टर्स, मुझे लगा नहीं है कि मैं पहली बार काम कर रही हूँ उनके साथ, इतना सपोर्ट था, इतना प्यार दिखा मुझे कि आई रियली फेल्ट नाइस एंड कम्फर्टेबल। लगा मुझे कि मैं इन्हें बहुत टाइम से जानती हूँ, और इनके साथ भी मेरे काफ़ी अच्छे प्यारे प्यारे सीन्स हैं, और फ्लोरा के साथ भी है अच्छे सीन्स। तो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि लक्ष्मी ने मुझे बोला कि मजा नहीं आया। दैट इज माय मोस्ट ब्यूटीफुल मेमोरी ऑफ दैट डे, जब मैं इतनी मेहनत करके वापस आया और मुझे लक्ष्मी ने बोला मजा नहीं आया। इसके लिए मैं किस बोलना चाहती हूँ, मेरी मम्मी ने टीजर देखा एंड उन्होंने बोला कि मैंने मम्मी कैसा लगा टीजर आपको, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है ऑनलाइन। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन जो वो सुधांशु
पांडे जी जो हैं और जो और आपकी जो वो एक्टर हैं मैं फ्लोरा मतलब हाँ फ्लोरा वो रियल था क्या सब जो उन्होंने किया है उसमें? आंटी मुझे बहुत मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, ये इसमें से कुछ भी असली नहीं था, सब सब गलत था। वहाँ पे एक पन्नी डाल के हमने ऊपर से किया था उसके कुछ। Hey, my mom is not that dumb, okay? She will know. And she asked me, she was like कि ठीक है रियल में किया ना बेटा सीन में होगा, मैंने बोला हाँ हाँ वैसे। तुमने बोला सीधा नीचे कोई था ही नहीं सुधांशु के, वो बाद में सीजी में डाला गया अलग से। फिर भी it's अश्लील to her. Okay, last में जाते जाते हमारे audiences को बता दीजिए कब release होने वाली है। दोस्तों हमारी फिल्म शॉर्ट फिल्म सीजन विद लव 16 तारीख को रिलीज़ हो रही है हंगामा प्ले पर, तो प्लीज़ हमारी फिल्म सीजन विद लव को बहुत सारा प्यार दीजिए और इस पिक्चर को आप सिर्फ इसके एंड के लिए देखिएगा, और क्योंकि एंड इतना बढ़िया है इसलिए आपको उसकी शुरुआत देखनी पड़ेगी, तो आपको पूरी फिल्म देखनी चाहिए। और आप लोगों को मैं एक चीज़ प्रॉमिस करता हूँ कि ये फिल्म से आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, आपको बहुत पसंद आएगी। हमें अपना ढेर सारा प्यार भेजिएगा। बस इसी उम्मीद के साथ आज आपके सामने हूँ, अपनी फिल्म को लेकर आई हूँ और हम लोग पूरी स्टार कास्ट इतनी मेहनत कर रहे हैं आप तक बात पहुँच पाए, ताकि इसलिए एक बार और लेते हैं वाला हाँ प्लीज़ हिम्मत एज इट इज़ डाल देना ठीक है। हमने जो ये शॉर्ट फिल्म बनाई है सीजन विद लव बहुत ही प्यार से बनाई है और मीडिया के थ्रू हम आपके आप तक ये बात पहुँचा रहे हैं इसी मकसद के साथ कि आप इस फिल्म को ढेर सारा प्यार दें और खूब सारे व्यूज दें ताकि हाँ। ये हिट हो जाए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू गाइस। ये पीछे इतना डिस्ट्रैक्शन चल रहा है ये क्या है?